नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 दिसंबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग सहित टोल वाली सड़कों पर आने वाले समय में तकनीकी के साथ सफर करने वाले अंदाज भी बदलने वाले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने एसोचैम की बैठक में इस बात की घोषणा की है कि आने वाले 2 साल में पूरे देश के टोल वाला सड़कों को प्लाजा से मुक्त करते हुए GPS से जोड़कर सीधे टोल व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। 1 साल पहले से फास्टैग को अनिवार्य करना इस दिशा में सरकार का पहला कदम था। डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस की दिशा में सरकार का यह अत्याधुनिक तरीका हाईवे पर सफर का अनुभव बदलने वाला साबित होगा। राजधानी जयपुर की सांबर लेक में बच्चे के डूबने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कल देर रात एक बच्चे की सांबर झील में डूबने के कारण मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। मौके पर DYSP और पुलिस जाप्ता भी पहुंचा। परिजनों ने शव को लेने से इनकार करते हुए सांबर साल्ट के अधिकारियों को बुलाने और मुआवजे की मांग की है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े राजकीय अस्पताल PBM के परिसर में भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि ट्रोमा सेंटर के पास मिला भ्रूण लगभग 5 माह का है। पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। मामले की जांच की जा रही है। कोरोना वायरस के कहर के बीच वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों को सरकार ने बड़ी राहत वाली सूचना दी है। भारत में जनवरी से कोरोना की पहली वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में जनवरी में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो सकता है और सरकार की पहली प्राथमिकता वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता है और हम इससे किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं। राजधानी जयपुर के शाहपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग का अपहरण कर शादी की रस्म निभाकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी महावीर बावरिया बाड़ी जोड़ी का रहने वाला है। परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बहन 12 नवम्बर को घर से दूध लेने गई थी, जो काफी देर बाद भी नहीं लौटी। पुलिस को जाँच के दौरान नाबालिग के अलवर जिले के खैरथल में होने की सूचना मिली। इस पर टीम ने नाबालिग को खैरथल से बरामद कर आरोपी महावीर को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा जिले में हाईवे पर वाहनों पर कार्रवाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार हजारीखेड़ा के निकटपुर थाना क्षेत्र में इंस्पेक्टर दुर्गा शंकर जाट, भागचंद और परिवहन विभाग का गार्ड राजेंद्र जाट हाईवे पर वाहनों पर कार्रवाई कर रहे थे। उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने राजेंद्र जाट निवासी झुंझुनू को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक का पीछा कर उसे पकड़ लिया। बारां जिले में एक मकान का ताला तोड़कर 8 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। इस चोरी के परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 36 में रहने वाला परिवार जयपुर गया हुआ था। पीछे से चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाकर तकरीबन 8 लाख के जेवर और नकदी पार कर दी। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। कोटा जिले में 2 बाइक्स की जबरदस्त भिड़त हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक्स की भिड़त इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची उद्योग नगर थाना पुलिस ने बताया कि मृतक लोकेश गुज्जर DCM इलाके के प्रेम नगर का रहने वाला था। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के हजारों बेरोजगार राजधानी जयपुर में जुट गए हैं। बेरोजगारों ने दोपहर 12:30 बजे शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। बेरोजगारों ने ऊर्जा विभाग में खाली पदों को भरने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। बजट घोषणा में 9000 पदों पर भर्ती की घोषणा के बाद अभी तक एक भी भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती निकालने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट सर्किल पर कंप्यूटर डिग्रीधारी बेरोजगारों ने आज सुबह प्रदर्शन किया। कंप्यूटर भर्ती निकलवाने की मांग को लेकर कंप्यूटर डिग्रीधारी बेरोजगारों का आंदोलन काफी समय से चल रहा है। करौली के टोडा भीम नगर पालिका क्षेत्र के रंगलाल कापुरा में अज्ञात चोर एक मकान में घुसकर लाखों रुपए के जेवरात सहित 70,000 रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। चोरों ने कमरे में सो रहे परिजनों को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया। टोडा भीम पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोर घर से 2 तोला सोने की पातरी, 2 तोला सोने का मंगलसूत्र, 4 जोड़ी सोने की बालियां, पर्स में रखे जरूरी कागजात, 2 जोड़ी चांदी की कनकत्ती, 7 चांदी के सिक्के और एक हस्ताक्षर युक्त SBI बैंक के खाली चेक सहित 70,000 रुपए नगद चुरा कर ले गए।
बांसवाड़ा में देर रात मरीज को लेकर आ रही एक एम्बुलेंस पलट गई, जिससे एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर जा रही थी, उसी समय माही पावर हाउस के पास मोड़ पर एक हादसा हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जबकि परिवार के 5 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।